नमस्कार इस विशेष प्रसारण में मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आज विशेष कवरेज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के नतीजों पर तो एक बार फिर एग्जिट पोल्स गलत साबित हो रहे हैं कम से कम हरियाणा की बात करें हरियाणा के रुझानों की बात करें तो कहा जा सकता है दोस्तों ये टी के क्रिकेट मैच से जुदा नहीं था आज सुबह लगभग सभी न्यूज चैनल्स कांग्रेस को साठ सीटें दे रहे थे रुझानों में मगर इस वक्त अगर हम चुनाव आयोग की बात करें दोस्तों चुनाव आयोग की वेबसाइट इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को सैतालीस सीटें दे रही है रुझानों पर और कांग्रेस को छत्तीस इसके मतलब को समझिए दोस्तों इसका मतलब पिछली बार के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है सात सीटों का फायदा और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों क्योंकि किसान आंदोलन हुआ महिला पहलवानों का संघर्ष हुआ इसके अलावा लगातार एंटी इनकम्बेंसी दस सालों का हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसके अंदर दस सीटें में से पांच सीटें कांग्रेस को मिली थी मगर इस वक्त आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है तो यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अपने दम पर क्योंकि गठबंधन था वो बहुमत ले रही है पीडीपी का सुपड़ा साफ हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी जम्मू में अपनी मौजूदगी जो है वो दर्ज कर रही है तो बड़ा प्रश्न दोस्तों यहां पर कि आखिर ये कैसे हुआ और कांग्रेस इससे जबरदस्त सख्ते में मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं भाषा और मुकुल आप दोनों का स्वागत है सबसे पहली बात भाषा मेरे ख्याल से सभी एग्जिट पोल्स ने एक सुर में जो है कांग्रेस को विजेता बताया था और अब जो नतीजे आ रहे हैं ये मुझे याद आ गया 2015 में आपको याद होगा बिहार के चुनावों में सबने जो है बीजेपी को विजेता घोषित कर दिया था मगर 10-11 बजे के बाद खेल पलटा और नतीजा आपके सामने इतिहास एक बार फिर दोहराया जा रहा है जी और देखिए जिस तरह से अभी जो रुझान दिखाई दे रहा है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे वहां 49 सीटें यानी पिछली बार से नौ सीटें ज्यादा बीजेपी अपनी बढ़त बनाई हुई है और यह बहुत अप्रत्याशित है क्योंकि अगर आप जिस तरह का ट्रेंड दिखाई दे रहा था जिस तरह से लोग बोल रहे थे कैमरे पे बोल रहे थे उससे बिल्कुल दूसरी तस्वीर दिखाई दे रही थी और मुझे लगता है कि अगर यह रुझान परिणाम में तब्दील होते हैं तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर हुड्डा होंगे और हुड्डा के ऊपर ही इसका ठीकरा फूटेगा लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हरियाणा ही इकलौता राज्य है जहां छोटा सा राज्य 90 सीटें और यहां पर मतदान की तारीख आगे बढ़ाई गई देखिए जो गेम्स हुए बहुत दिलचस्प हैं एक अक्टूबर को मतदान होना था पांच अक्टूबर किया गया और उसकी वजह दिखाई गई कि बिश्नोई समाज को आ, की आस्था का आ, सवाल है उसके पैम्पर किया गया वहां पर सपोर्ट किया गया दूसरा बहुत अहम फैक्टर आप मत भूलिए कि जिस तरह से यहां पर रेपिस्ट और मर्डरर राम रहीम को दो बार अभिसार ये मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार है कि इतने छोटे से स्टेट को जीतने के लिए अगस्त में वो आदमी बाहर आता है पेरोल में 21 दिन के फरलो पे उसके बाद दोबारा जाता है जैसे ही बीजेपी संकट में फंसी दिखाई देती है दोबारा वो अपील करता है इलेक्शन कमीशन फिर उसे कहता है ओके जाइए भाई आप ऐश कीजिए वो और उसने जो हमने चार दिन पहले खबरें देखी सिरसा हेडक्वार्टर से फरमान जारी हुआ कि सारे लोग बीजेपी को वोट करेंगे और अपने साथ पांच पांच लोगों को ले जाएंगे अब ये कितना फैक्टर है कितने वोट उधर से उधर पड़े लेकिन निश्चित तौर पर जो ट्रेंड अंदर अंदर चल रहा था भीतर खाने की जो कहानी थी वह ऊपर नहीं आ रही थी अगर ये परिणाम और क्योंकि पहले से ज्यादा बीजेपी कितना हल खराब था बीजेपी के नेता कितने परेशान थे ये भी हमने देखा था। बिल्कुल और मुकुल हम नहीं भूल सकते किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता का विरोध करना पड़ रहा था हमारे गब्बर सिंह जी जाते हैं यानी कि अनिल वे जाते हैं मगर वो भी इस वक्त जो ताज़ा खबर है अपनी सीट से आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ा था और वो लगातार कह रहे थे कि ये जो है और ऑर्क्रिस्ट्रेट किया गया है कांग्रेस द्वारा बड़ा प्रश्न ये कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज अगर आप तीसरी बार एंटी इनकंबेंसी को हराकर वापस आ रहे हैं जबकि लोकसभा चुनाव में आपको याद है पूरा एक माहौल बन गया था बावजूद तो ये ये तो रुझान ये है मैं बता दूं दर्शकों को मुझे लगता है कि एक घंटा और ये चुनाव लगभग फिक्स हो जाएगा कि, कि किस तरफ जा रहा है हाँ ये तो है कि अप्रत्याशित है और अप्रत्याशित यूं है क्योंकि आपने कहा एग्जिट पोल हम एग्जिट पोल पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते लेकिन अगर एग्जिट पोल सत्ता के खिलाफ जाके विपक्ष को बढ़ा देता है तो लगता है कि जमीन की आवाज वो सुन रहा है और जमीन पर जो आवाज थी जो हरियाणा के तीन ही मुद्दे थे किसान जवान और पहलवान वो राष्ट्रीय मुद्दे भी थे वो अगर नहीं चल रहे हरियाणा में तो फिर चल क्या रहा है एंटी इनकम्बेंसी हो गई दस साल की खट्टर जी को हटाया गया क्यों हटाया गया इसी वजह से हटाया गया कि दिख रहा था कि यहाँ नायब सिंह सैनी लाए गए उनका भी बहुत बड़ा करिश्मा नहीं था तो फिर क्या मोदी जी गायब रहे इस चुनाव से लगभग तो यानी वो अपनी हार मानकर चल रहे थे लेकिन इसके बाद भी अगर ये सब परिणाम आते हैं रुझान परिणामों में बदलते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही अप्रत्याशित होगा बहुत अहम फैक्टर्स यहां पर मुकुल बता रहे हैं सबसे बड़ी बात चुनाव प्रचार से प्रधानमंत्री का गायब होना जी। हम लगातार उसकी चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री गायब थे और उनके मोर्चे को संभाल रखा था हेमंत मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बिट्टू बजरंगी जो है वो जो नू सांप्रदायिक हिंसा में आरोपी थे वो आ गए थे प्रधानमंत्री का गायब होना मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ने भी इस नतीजे की उम्मीद नहीं की होगी हरियाणा में देखिए मुझे लगता है कि अंदर से जो तैयारी चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की जिसके बारे में चर्चा बहुत कम थी जिन कयासों पर हम बात करें क्योंकि यहां पर यह बहुत जरूरी है कि जनता विरोध में थी और जनता विरोध में होकर ही तमाम कैमरों पर बोल रही थी लेकिन सवाल एक बहुत अहम है यहां जो उन्होंने छत्तीस की कोशिश की थी क्योंकि अगर यह परिणाम में तब्दील होते हैं तो ऐसा लगता है कि जाट को साइडलाइन करके बाकी वोटों पर उन्होंने केंद्रित किया और दूसरी बात अभिसार अगर यह रिजल्ट पक्का रिजल्ट हो जाता है जो रुझान है तो उससे यह भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी नफरत बेचने में कामयाब है और नफरत के जो लीडर्स हैं अब मोदी जी नहीं, 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 नहीं देखिए यहाँ पर जिस हाँ। तरह से हेमंत विश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ की सारी स्पीचेस नहीं नहीं, नहीं मगर हम, हम ये भी जानते हैं ना कि वो नफरत अगर कारगर साबित हुई होगी तो नुह या उन तमाम इलाकों के आसपास मगर आप भी जानते हैं कि ये जो नतीजे आ रहे हैं ये अप्रत्याशित हैं ये अगर आप 50 सीटों को टच कर रहे हैं सैंतालीस से उनचास तो क्या इसका ठीकरा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नफरती राजनीति पर फोड़ा जा सकता है या जैसे कि आपने कहा जाट बदाम छत्तीस बिरादरी ये तमाम फैक्टर्स हैं जो और खुलकर काम कर रहे थे जो माइक्रो लेवल पे काम कर रहे थे जिसका हमें अंदाजा नहीं था क्योंकि मुझे लगता है कि तैयारी बिल्कुल दूसरे ढंग की है और इस तरह का परिणाम अगर बीजेपी को पता होता तो जितना सर फुटवल बीजेपी के भीतर चल रहा था जिस तरह से लामबंदी दूसरे ढंग से हो रही थी मुझे लगता है वहां से ध्यान भी जानबूझकर हटा है और इसका एक बड़ा जवाब निश्चित तौर पर कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस नेतृत्व में हुड्डा नेतृत्व को देना पड़ेगा क्योंकि इस बार उन्होंने सबको साइड लाइन किया और यह फैक्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि शैलजा को जिस तरह से उन्होंने 12 सितंबर के बाद से पूरे महीने बाहर रखा और एक ये इंप्रेशन नीचे तक गया कि यह जी सिर्फ हुड्डा की है लोकसभा चुनाव में भी अभी जब मैं गई थी वहां लोग कह रहे थे कि हुड्डा जी चाहते नहीं थे कि कांग्रेस पांच से ज्यादा बढ़े इसलिए ज्यादा बढ़ी नहीं हालांकि यह सब अटकलबाजी है जो चुनाव के बाद होती है जमीन पर वोट किन मुद्दों पे पड़ा और वो ऐसे मुद्दे क्या थे जो साइलेंट फैक्टर थे यह निश्चित तौर पर हरियाणा एक बढ़िया प्रश्न चिन्ह लगा रहा है मैं जरा कांग्रेस के अंतर विरोध की यहां पर विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा देखिए अगर आप यह कह रहे हैं कि हुड्डा सबको अकोमोडेट नहीं कर रहे हैं तो केंद्रीय आला कमान ने तो संदेश दे दिया था 90 में से बहत्तर सीटें हुड्डा के पसंदीदा कैंडिडेट्स लड़ रहे थे मुकुल बड़ा प्रश्न कि फिर भी एक रणदीप सिंह सुरजेवाला कुमारी शैलेजा जो ऑलरेडी सांसद हैं अपने आप को दावेदार पेश कर रहे थे तो देखिए पहली बात अगर आपने हुड्डा में विश्वास जतलाया है तो पूरी पार्टी को उनके पीछे होना चाहिए था मगर वो एकता बिल्कुल कांग्रेस में नहीं दिखाई दे रही थी हाँ तो यह तो कांग्रेस के साथ ये रही है समस्या समस्या रही है कि वहां कई नेतृत्व के दावेदार होते हैं और वो चुनाव से पहले ही ये बोलने लगते हैं चुनाव बाद आप वोट हो गया उसके बाद अपनी दावेदारी करते रहे तो समझ में आता है उससे पहले ये दिखाते हैं कि हमें हम काफी फ्रैक्शन है काफी टूट है और वही जो आप जो जा, एक जाट बनाम छत्तीस बिरादरी कह रहे हैं वैसे वो खट्टर जब लाए थे तभी ये उन्होंने कर दिया था विनेश फोगाट जो जुलाना से चुनाव लड़ रही है अपने ससुराल से वो पीछे हैं आप देखेंगे पर जो असंतोष की बात कर रहे हैं और अपने विरोधियों की बीजेपी ने मैनेज कर लिया अनिल विज जो अभी मैं देख रहा हूं कि वो लगातार पीछे ही हैं अनिल विज क्योंकि वो बगावती उनके सुर थे तो बीजेपी ने अपने बगावती लोगों को मैनेज कर लिया लेकिन कांग्रेस नहीं कर पाई तो ये भी एक सवाल है आ, मैं ये जो आपसे समझना चाहता हूं हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के मतभेद की मैं नहीं भूला हूं आपको याद होगा वो चुनावी सभा जिसमें राहुल थे प्रियंका थे और शैलजा थी हुड्डा थे और राहुल ने ड्रामेटिकली आके दोनों का हाथ मिला लिया मुझे लगता है ये सिर्फ तस्वीर तक सीमित रहा भाषा अंदरूनी जो संवाद राहुल को करना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया और यही मैंने 2018 में देखा था कमलनाथ वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्सेस दिग्विजय सिंह वही इतिहास दोहराया जा रहा है यहां पर भी वो नहीं किया गया जी मुझे लगता है कि यहां पर कांग्रेस को जिस तरह से मैनेज करना चाहिए था वह नहीं किया और साथ ही देखिए मुझे लगता है कि जब डिटेल रिजल्ट सामने आएंगे तब हमें यह भी दिखाई देगा कि बाकी जो दो गठबंधन है Hmm. उन का क्या-क्या क्या, -क्या किस -किस सीट पर असर पड़ा, क्या असर पड़ा पड़ा जो की भरमार थी उसका क्योंकि चुनाव आज की तारीख में एक मैनेजमेंट वाला चुनाव है hmm. यह सिर्फ उसका चुनाव नहीं है कि आपकी रैली में कितने लोग आए हम अभी बिहार के चुनाव को देख चुके हैं hmm. लोकसभा में जो लोकसभा चुनाव में जो बिहार का रिजल्ट था हम जा रहे थे रैलियां देख रहे थे सब कुछ दिखाई दे रहा था दूसरे ढंग का मैसेज था लेकिन जमीन पर जब वोट पड़ने की बात हुई तो दिखाई दिया कि भाजपा यानी नीतीश और आ, बीजेपी के पक्ष में वोट ज्यादा पड़े तो ये जो एक चुनाव फिलहाल एक मैनेजमेंट और परसेप्शन की इंडस्ट्री में तब्दील हुआ है हरियाणा उसका जीता जागता उदाहरण दिखाई देता है क्योंकि देखिए मैं तो गुड़गांव में अपने रिश्तेदारों नातेदारों के यहां गई वहां पर जो सोसाइटियां जो एमएनसी एनसी सोसाइटियां हैं वहां एंटी बीजेपी इतना सेंटीमेंट था पहली बार अभी तक वे सब वोट देते रहे थे भाजपा को लेकिन सड़के वहां मुद्दा थी सब मुद्दा था फिलहाल दिखाई दे रहा है कि ये सारा गुस्सा बीजेपी ने साम दाम दंड भेद करके मैनेज तो किया है क्योंकि मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है क्योंकि लोग यह कह रहे थे कि वे चेंज करना चाहते हैं तो अगर चेंज में वो परिलक्षित नहीं हुआ इसका मतलब है कि बीजेपी की मशीनरी जो है वो दूसरे ढंग से एक ऑपरेट कर रही है जो जो वोटों को अपने पक्ष में में डलवाने कारगर है है और इसमें दो तीन फैक्टर्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट अच्छा इसके अलावा इंडिपेंडेंट्स की बात करें बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट्स थे मेरे ख्याल से 400 से ज्यादा और ये बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने इनमें काफी इन्वेस्ट किया और वो जो है कांग्रेस uh, की निगाह से बहुत बड़े स्पॉयलर्स के तौर पर सामने उभर कर आ रहे हैं इंडिपेंडेंस का यहां पर खेला हम आई और जेजेपी की तो बात कर ही रहे थे मगर इंडिपेंडेंस का भी बहुत खेला रहा है और उसने भी शायद कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया पहुंचा अब हाँ, यही जब जैसे भाषा भी कह रहे हैं जब डिटेल सब आएगा सामने कि कहा कितने वोट किसने काटे तो ये और जेजेपी और इन लोग भी आप बहुत क्षेत्रीय ही पार्टियां और बहुत छोटी पार्टियां हैं जे, जेजेपी लगभग आ, मतलब शून्य पर पहुंच रही है तो उसका वोट किसे पहुंचा फिर ये भी सब आ, ये बात का विश्लेषण दिखाई दे रहा है जेजेपी दस सीटें पहले याद आपको बीजेपी को और वो बढ़ रही है नौ सीटें बढ़ रही हैं तो ये एक बड़ी देखने वाली बात है कि जेजेपी इन लो बीएसपी बीएसपी भी वहां थी चंद्रशेखर की पार्टी वहां थी ये सब इंडिपेंडेंट में ही है अभी इस समय और भी है तो जैसे कश्मीर में उसने इन्वेस्ट किया था इंडिपेंडेंट में और इसी तरह मुझे लगता है कि हरियाणा में भी अब ये देखने वाला बात होगी कि कहा किस किस क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एक जातीय हिसाब से भी रखे जाते हैं कहीं जाट है तो एक जाट दो जाट तीन जाट और खड़े हो गए तो वोट जो कटेगा वो मुझे लगता है डिटेल और देखिए पर यह भी समझना है कि हरियाणा का चुनाव हमें उत्तर प्रदेश के चुनाव की तरफ ले जा रहा है आपने ध्यान से देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ था तो बसपा आउट हुई और बसपा के वोट कहाँ गए हमने देखा बीजेपी में वोट गए वो जो परसेंटेज है ऑलमोस्ट परसेंटेज भी इक्वेट किया गया लेकिन ये सारी चीजें चुनाव के बाद ही नतीजों को जब हम टेबल पे रखते हैं तब लेकिन मुझे जो सबसे बड़ी चिंता है अभिसार इसका मतलब यह है कि जो पब्लिक पॉपुलर ओपिनियन दिखाई देता है ग्राउंड पर और जो असली कहानी चलती है उन दोनों के बीच रिश्ता काटने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही है यानी कि चुनाव यानी कि चुनाव जो है वो कहीं ज्यादा पेचीदा है क्योंकि दे देखिए हमारे सामने मुद्दे थे तीन बड़े मुद्दे थे अग्निवीर का मुद्दा था किसान आंदोलन का मुद्दा था महिला पहलवानों के साथ जो बेजती की गई थी और ये तीनों मुद्दे चुनाव हरियाणा सेंट्रिक थे ये तीनों मुद्दे हरियाणा सेंट्रिक होते हुए राष्ट्रीय तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहे थे बावजूद इसके इसका असर नहीं हुआ क्योंकि अगर इन तीनों ये मुद्दे अगर तीनों कारगर होते तो सुपड़ा साफ होना चाहिए तो था तो भारतीय जनता पार्टी का लग, जो नहीं हुआ मुझे जो लगता है बीजेपी ने लोकसभा चुनाव जो 240 पर आई और यूपी में जो उसका बहुत नुकसान हुआ उससे बहुत सबक लिया आपने देखा होगा शुरुआत से ही लेके चाहे वो ओपिनियन पोल आए चाहे एग्जिट पोल बीजेपी बहुत शांति से चुनाव लड़ी है हरियाणा का जिस तरह कांग्रेस का अति उत्साह दिखाई दिया मुझे लगता है वो जो भाषा कह रही मैनेजमेंट वो भीतर भीतर जो कर करे मेरे दिमाग में एक चीज आई मेरे दिमाग में एक बात आई भी आया है क्या आपको लगता है क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का गायब रहना चुनाव से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं कही यह बात लगी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो गायब रहेंगे तो लोगों का गुस्सा वानी होगा हाँ तो नहीं वो हरियाणा बीजेपी की पूरी कोशिश थी कि ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाए क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे तीनों राष्ट्रीय मुद्दे थे किसान भी पहलवान भी और जवान भी अग्निवीर तो राष्ट्रीय अगर प्रधानमंत्री आएंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे हावी होंगे और वो याद आएगा किसान आंदोलन उसमें किसानों की पिटाई उसमें महिला पहलवानों की बेज्जती तो तो सोच ने, है रणनीतिक तो सोच है मुझे लगता है मैं इस रणनीति तो से मुझे ये नहीं लगता मुझे लगता है कि इस बार इन्होंने यह भी कोशिश की कि जो नए चेहरे हैं नफरत फैलाने वाले दो बड़े चेहरे तो भाजपा के पास योगी आदित्यनाथ और हेमंत विश्व शर्मा उन पर फोकस किया गया और यह देखा गया कि वे कितने वोट खींच सकते हैं और आप देखिए कि उसी दौरान नया एजेंडा सेट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और झारखंड में फोकस कर रहे थे तो किस तरह से वो सोच रहे हैं लेकिन सवाल है कि नफरत का जो अभियान चल रहा है वह अभियान हमें जम्मू कश्मीर में नहीं दिखाई देता अभी सार क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी बहुत चीजें दाव पे लगी हुई थी फिलहाल दिखाई दे रहा है कि जम्मू कश्मीर में तो जो रिजल्ट है वो अभी तक उस तरह का नहीं है जैसा सोचा गया था कि मोदी जी का नया कश्मीर इज इक्वल टू हिंदू सीएम बने अभी तक जो रुझान है उससे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा मैं मैं नायाब सैनी समझना चाहता हूं मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया उनकी जगह नायाब सैनी आए कई लोग कह रहे थे कि नायाब सैनी की मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी को और भी ज्यादा नुकसान दिलवाएगी उन्हें लाडवा में शिफ्ट किया गया लाडवा को सीएम सिटी के तौर पर पेश किया गया इसका मतलब नायाब सैनी जो कि ओबीसी पृष्ठभूमि से आते हैं उनकी मौजूदगी ने भारतीय जनता पार्टी को इलाकों में फायदा पहुंचाया जी और यहां पर जो हम लगातार कह रहे हैं कि जाट बनाम बाकी करने की जो कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही खामोशी से और अगर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उठाकर देखिए जिस तरह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बिसात बैठाई गई क्योंकि दरअसल अब चुनाव दूसरे ढंग से भी भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरा मैकेनिज्म भी पैदा किया है आक्रोश है यह सबको पता था और भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा किसी को नहीं पता था अल्प माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाते हुए उसने दोबारा जीता मतलब तिबारा जीता है ये अगर ये परिणाम जा रहे हैं और ज़्यादा सीटों से जीता है इसका मतलब है क्षेत्रीय दल समाप्त करके क्षेत्रीय दलों का वोट अपने पास शिफ्ट करने में भारतीय जनता पार्टी का मैकेनिज्म रहा है और इसमें साम दाम दंड भेद तो, तो फिर सैनिक ही मानी जाएगी अगर ये प्रधानमंत्री हाँ। प्रधान सैनी को लाडवा लाया गया यानी उन्हें लग रहा था करनाल से भी नहीं जीतेंगे सीएम अभी वो बने हैं उसके पीछे जो सोच थी मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे सोच ये थी कि भाई उन्हें लाडवा से लाया जाए जहां पर मेवा सिंह थे कांग्रेस तरफ से से उनको लाने का ये मकसद था कि कि भाई लाडवा को को सीएम सिटी के तौर पर पेश किया जाए तो जा, भी मौजूदगी आसपास हाँ, में तो पहले मसले तो, कह रहा हूं कि, मतलब उन्हें शिफ्ट किया गया एकदम इस चुनाव में ही तो उन्हें कुछ चीजें लग रही थी लेकिन ये अगर परिणाम यही आते हैं तो वाकई में उनको लाडवा में लाना मतलब जातिगत समीकरण जो सै हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि जाट बनाम बाकी बिरादरी वाला जो दाव लंबे समय से आज का नहीं है पिछले दस साल से भारतीय जनता पार्टी का इकलौता दाव यही है कि हम बाकी कम्युनिटीज के लिए काम करेंगे कांग्रेस इज इक्वल टू जाट तो यहां लाडवा में ला जो आसपास की सारी कॉन्स्टिट्युंसीज है जो हमें नक्शे में भी दिखाई दे रही है आप देखिए कि उसमें असर पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के इस दाव अच्छा मैं इसके नेशनल पहलू पर आप दोनों से बात करना चाहूंगा हरियाणा के चुनाव नतीजे मैं फिर स्पष्ट कर दूं दर्शकों को यह रुझान है क्या यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत यह संजीवनी है कि हम नफरत परोसेंगे साम दाम दंड भेद करेंगे रेपिस्ट और मर्डरर को आगे रखेंगे तो हमें जनता का वोट मिल जाएगा और आपको लग रहा है कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र में Uh, इसका इसका असर पड़ सकता है आपको तो, uh, उत्साह तो मिलेगा बीजेपी को बिल्कुल क्योंकि महाराष्ट्र के लिए भी ऐसी कहा जा रहा है एग्जिट वो ओपिनियन पोल और ये पर चीजें कैसे पलटती हैं हरियाणा बता रहा है मुझे लगता है कि हरियाणा का सबक भी फिर महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी रहेगा कि उसे कैसे फिर चुनाव क्योंकि मैं मैं जो आपने भाषा जिक्र किया ना नफरती राजनीति का अगर आपने गौर किया होगा कल ही सरसंग चालक ने क्या कहा कि हिंदू एकता की हिंदू की सुरक्षा की बात करने लगे यही बात आपको याद है शुरू करते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे प्रधानमंत्री का परसों का बयान महाराष्ट्र में देखिए वाले हाँ, जलसा करेंगे हां तो ये मुझे लग रहा है ये जमीन तैयार की जा रही है महाराष्ट्र के चुनावों के लिए भी उस तरह की नफरती राजनीति जिसकी हमने झलक देखी थी जब बिट्टू बजरंगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के मंच पर दिखाई देता है और हेमंत विश्व शर्मा और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को रहते हैं और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को बाबरी की याद आती है जी जी तो ये एक बात तो दिखाई देता है कि ये भाजपा का जो सामदाम दंडभेद है वह हरियाणा में सक्सेसफुल है इसके विश्लेषण पोस्टमार्टम सब होते रहेंगे जब परिणाम आ जाएगा जब डिटेल रिजल्ट होंगे लेकिन फिलहाल कांग्रेस और विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है इतना सब कुछ होने के बावजूद इतना गुस्सा होने के बावजूद अगर आप उन गुस्से को वोट में नहीं तब्दील कर सकते आपसी घर को संभाल नहीं सकते तब बड़ी चुनौती है कि महाराष्ट्र और झारखंड को आप कैसे संभालेंगे राहुल गांधी के लिए तो आज मुंह दिखाना थोड़ा मुश्किल होने वाला है क्योंकि वो पुरजोर तरीके से हमला बोल रहे थे उन्होंने दोनों जो प्रतिद्वंदियों के हाथ भी मिलाए थे बावजूद इसके अगर इस तरह का नतीजा आ रहा है तो उनके लिए तो आज तो के दिन बहुत भारी है। लिए तो झटके काफी इन दस सालों में रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी नई बात राहुल के लिए नहीं जुड़ेगी हाँ लेकिन उन्हें महाराष्ट्र के लिए और झारखंड इस सबके लिए सतर्क होना पड़ेगा और हुड्डा से कांग्रेस को मतलब हुड्डा और हुड्डा जैसे लोगों से बचना बहुत जरूरी है अगर नतीजे ये हैं तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाषा और मुकुल आप दोनों का और हम आपको बतलाना चाहेंगे कि जो नतीजे आ रहे हैं इस पर लगातार हमारा कवरेज जारी रहेगा आप अभिसार शर्मा को दीजिए इजाज़त नमस्कार